हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पे ही एनपीके बनाने की विधि बता रही हूँ, और ये इसके लिए आपको कहीं से बाहर बाज़ार से कोई सामान नहीं खरीदना है। घर में ही अवेलेबल सामान से बहुत आसानी से बन जाता है, और ये टोटली ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल्स नहीं है। तो आप ये देखिए, इसमें मैंने ये लिया है गोबर की खाद, अच्छी तरह से सड़ी हुई है ना, ये आपके पास होगी, प्लांट गार्डनिंग कर रहे हैं तो खाद ज़रूर होगी। और ये गुड़ है, गुड़ तो जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, जैसे काला वाला गुड़ जो घर में हो जाता है ना, कई बार रखे रखे ख़राब हो जाता है। ये मेरा पिघल गया है गुड़, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, वो ले सकते हैं। और ये है राख, लकड़ी की जो जला के हम राख बनाते हैं, वो है, ये मैंने छान रखी है इसको, ठीक है। तो आप देखिए, गोबर की खाद जो होती है उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से जो राख है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फेट होता है। इसमें पोटेशियम होता है 0.7% और फॉस्फेट होता है 1.5%, है ना। और कैल्शियम और इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे इसमें मिनरल्स मिले हुए होते हैं, तो ये आपको ज़रूर डालना चाहिए। इसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं प्लांट्स में, इंसेक्ट्स वगैरह भगाने के लिए एज ए फर्टिलाइज़र, और जैसे प्लांट्स में फूल कम आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए तब भी यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो ये गुड़ है, ये हमारी मिट्टी को पोरस बनाता है, और उसमें क्या बोलते हैं कि जो प्लांट को फ़ायदा करने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको वापस से ग्रो करता है। तो प्लांट की मिट्टी जो होता है बहुत भुरभुरी और बहुत ही न्यूट्रिशन फुल बनाता है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखिए, ये मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है गोबर का खाद, 2 चम्मच ही मेरी खाद ये है राख, और 2 चम्मच ही ये गुड़ है। इनको हम मिला लेंगे आधा लीटर पानी में, इनको हम मिला लेंगे आधा लीटर पानी में, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये इसमें सब चीज़ें मिला ली, और इनको हम छोड़ देंगे रखने के लिए 24 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। कहीं ऐसा कुछ नहीं कि इसको आपको ढांक के रखना है या धूप में रखना है या छांव में, आप कहीं भी रख सकते हैं इसे, है ना। तो जैसे मैं तो अभी जैसे बारिश के दिन हो रहे हैं तो शेड वाले एरिया में रखूँगी, है ना। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ 24 आवर्स के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इसको मिलाए हुए हो गए 24 आवर्स, और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ कोई भी हम घर में जो भी खाद बनाते हैं उसमें हमें पानी ज़रूर मिला लेना है। तो ये जितनी है उतना ही पानी, मतलब ये हमने आधा लीटर डाला था पानी, तो आधा ही लीटर हम इसमें और मिला लेंगे, ठीक है। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लांट पे। ये बहुत बढ़िया होती है खाद फ्रेंड्स। इसको हम फूल वाले पेड़ों में भी दे सकते हैं, है ना। ये देखिए, मेरी चाइनीज़ पालक है, कितनी बढ़िया हो रही है ना, खूब अच्छे फूल खिल रहे हैं इसमें, छोटे छोटे। इसमें भी दे सकते हैं, और फलों में, फूल वालों में, सब में दे सकते हैं। ये मिर्च के पौधे हैं मेरे, और ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है गमले के हिसाब से, वेस्ट ना जाए ना, इसलिए बस। ये प्लांट्स का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती है, मजबूत बनाती है, प्लांट्स में कीड़े वीड़े भी नहीं लगते। कई बार मिट्टी हमारी मतलब जैसे बोले ना, उसकी उपयोगिता कम होने लगती है, फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो ये उससे भी बहुत अच्छी हो जाती है। प्लांट बहुत मजबूत हो जाते हैं, और उनके कलर बहुत अच्छे हो जाते हैं, सब्जियों के स्वाद बहुत अच्छे हो जाते हैं, फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसको छान कर हम प्लांट्स पे स्प्रे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारे क्रोटन्स वगैरह जैसे फॉलीज वाले जो प्लांट्स हैं उन पे बहुत फ़ायदा करती है। तो जैसे कोलियस वगैरह है ना, इनमें खूब अच्छे से स्प्रे कर देने से इनके कलर्स और इनकी पत्तियों का भरापन खूब, मतलब बुशी हो जाते हैं खूब अच्छे। इनका इम्यून बहुत अच्छा हो जाता है स्ट्रॉन्ग, प्लांट्स में जल्दी जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, है ना। और ये कलर्स इनके बहुत अच्छे निखर के आ जाते हैं, जो हमारे ये फॉलियर वाले प्लांट्स होते हैं ना उनमें।
तो इसको आपको ज़रूर डालना चाहिए। और फ्रेंड्स, और जो केमिकल्स वाले होते हैं फर्टिलाइज़र्स, उनका रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनको डालने से क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी की, कई बार होता है ना कि मिट्टी ज़्यादा, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाती है। और प्लांट में जो लाभदायक बैक्टीरिया, केंचुए वगैरह जो होते हैं, वो भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र से तो मर जाते हैं, लेकिन इसको डालने से वापस वो फिर से ग्रो होने लगते हैं। तो इसी को यूज़ करें आप, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही यूज़ करूँ, और खाने पीने की चीज़ों में, सब्ज़ियों में तो सिर्फ ऑर्गेनिक, और कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इनके साथ। तो और मेरे जो आप देख रहे हैं, खूब ग्रीनरी हो रही है, मतलब ओवर ग्रो हो रही है हर चीज़, वो सब इन्हीं देसी चीज़ों के कारण ही है। तो आप भी इन्हीं को यूज़ करें। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।